पावर पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट टैब क्या होता है? एनिमेशन टैब और ट्रांजिशन टैब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ट्रांजिशन देखते हैं। तो ट्रांजिशन कहाँ लगाया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये जो अभी चल रहा है ये देख लीजिए, ये जब स्लाइड चेंज होती है, जैसे ये चेंज हुई तो ये कौन सा लगाएगा, ट्रांजिशन। अब जो फॉन्ट चेंज होते हैं जैसे, ये क्या है, एनिमेशन है। ये देख लीजिए ये एनिमेशन है, और यहाँ पर जो स्लाइड चेंज होती है वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन कहाँ लगाया जाता है, जब स्लाइड चेंज होती है। ट्रांजिशन लगाया जाता है स्लाइड चेंज होने पर, एनिमेशन लगाया जाता है जो हमारे स्लाइड में कंपोनेंट है, टेक्स्ट है, वीडियो है या फिर कुछ भी है, उस पर लगाने होते हैं क्या, एनिमेशन। जैसे हम एनिमेशन यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ हमने लिखा टाइटल सम कंटेंट्स। अब हमें क्या करना है, इस टाइटल पर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन कहाँ लगाया जाता है, टाइटल पर नहीं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर एनिमेशन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस टाइटल पर मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एनिमेशन टैब में गया और मान लीजिए मुझे लगाना है ये रैंडम बार का या फिर फेड का, तो यहाँ पर उस पर वो वाला एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा और वही एनिमेशन मैं यहाँ पर कंटेंट पर लगाना चाहता हूँ। अब स्लाइड के बाद इस पर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, कहाँ पर, स्लाइड पर, कौन सा एनिमेशन, हाँ ये वाला, सॉरी ट्रांजिशन। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम F5 प्रेस किए, तो यहाँ पर ये यह हमारी थी पहली स्लाइड, इसलिए ये आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये यह देख लीजिए कुछ इस तरह से ये ट्रांजिशन वर्क कर रहा है। ये क्या है, ट्रांजिशन है। अब आपको दिखेगा ये एनिमेशन, तो ये क्या है, जो देखिए ये टाइटल आ रहा है और ये कंटेंट आ रहा है, तो ये क्या है, ये है ट्रांजिशन और ये है एनिमेशन। तो इस तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन हम अपने स्लाइड्स पर लगा सकते हैं। अब जैसे यदि मैं ये वाला ट्रांजिशन लगाऊं, अब फिर से इसको F5 से प्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एनिमेशन वर्क करेगा और ये क्या है, ये है हमारा ट्रांजिशन। तो इस तरह से ट्रांजिशन हम अपनी स्लाइड पर अप्लाई करते हैं और एनिमेशन हमारे कंटेक्स्ट पर वर्क अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो स्लाइड पर है, आपको यदि कोई साउंड इफेक्ट लगाना है तो वो साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे पॉज, जैसे ही स्लाइड चेंज होगी तो यहाँ पर वो साउंड यहाँ पर आ जाएगा। अब साउंड लगाने के बाद यहाँ पर आप टाइम भी दे सकते हैं कि कितने टाइम ट्रांजिशन चले ना चले और सभी पर अप्लाई हो, तो यहाँ पर सभी ऑल अप्लाई कर देंगे तो वो सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जो ट्रांजिशन है वो यदि आप माउस क्लिक करेंगे तो वो वर्क करेगा, तो इस पर टिक कर दीजिए वरना नहीं टिक करिए। यदि वो ऑटोमेटिकली ही ट्रांजिशन अप्लाई करना है या फिर स्लाइड चेंज करना है तो यहाँ पर ये टाइमिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा अपने आप। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन वर्क करता है। अब देखते हैं हम एनिमेशन, तो हमने एनिमेशन देख लिया है, इसमें थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक कीजिए तो ये सारे एंट्रेंस एनिमेशन, एम्फेसिस एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन, अब जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं उन पर क्लिक कीजिए तो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ये एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो वो एनिमेशन उस चीज पर लग जाएगा। जैसे मैंने लगाया था इस पर, देख लीजिए ये कुछ इस तरह से एनिमेशन हमारे पास लग गया है, देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। यदि आप स्टडी के लिए या फिर रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी एनिमेशन लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप ये यूज़ कीजिए, ये सबसे अच्छा रहता है। किसके लिए, स्टडी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, ये फेड वाला। तो इस तरह से हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लगा सकते हैं। अब जो एनिमेशन पेन है, इस ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सी स्लाइड पर एनिमेशन लगाए गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए ये स्टार का चिन्ह लगाया है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि हाँ एनिमेशन लगा है। तो इस तरह से ये हमें दिखा देगा कि एनिमेशन कहाँ कहाँ हमारे पेज पर लगा। यहाँ पर इस पर क्या कर देंगे हम, देख लीजिए यदि हम इसको प्ले करेंगे तो हमें ये बता देगा कि किस तरह से ये एनिमेशन वर्क करेगा जब हम प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इसकी ये टाइमिंग भी दी गई है, तो हमने टाइमिंग को यदि चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, 4 सेकंड, तो यहाँ पर ये देख लीजिए कुछ इस तरह से चल रहा। तो अब यहाँ पर जो एनिमेशन है वो क्लिक पर अप्लाई होना है या फिर विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस,
आप जो सा भी एनिमेशन अप्लाई करना चाहे वैसा, मैं ज्यादातर क्लिक पर ही अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर जो एनिमेशन का टाइमिंग है वो चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा। कितने टाइम बाद एनिमेशन चलेगा बटन प्रेस करने के बाद, तो वो यहाँ से टाइमिंग सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये दिख रहा है रीऑर्डर एनिमेशन। तो यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर ये एक एनिमेशन लगाया गया है किस पर, टाइटल पर, और दूसरा लगाया है गया है सम कंटेंट्स पर। तो यदि आप एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं कि नहीं हमारा सबसे पहले टेक्स्ट कौन है, सम कंटेंट्स आए टाइटल ना आए, तो यहाँ पर मूव अर्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो बाद में आएगा, सम कंटेंट पहले आ जाएगा एनिमेशन की सहायता से। यहाँ पर मैं इसी स्लाइड से दिखाता हूँ, आप देख लीजिए ये सम कंटेंट्स पहले आ रहा है, टाइटल बाद में आएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए क्योंकि हमने यहाँ पर हम क्या कर दिया है, इसका एनिमेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि हम अपने पावर पॉइंट में स्लाइड पर या फिर प्रेजेंटेशन पर किस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन को रीऑर्डर करना, उसका टाइम चेंज करना, एनिमेशन चेंज करना, ये सभी हमने सीखा इस एनिमेशन में।